What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज है 28 दिसंबर 2020 मंडे है, सुबह के 8:38 हो रहे हैं। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और इस ईयर का ये लास्ट वीक है ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट के हालात देखेंगे, फिर निफ्टी का इंट्राडे चार्ट के ऊपर जाके क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं आज के लिए उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे खबर यह है कि यूएस में जो स्टिमुलस पैकेज है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया है, तो वहां पर से एक पॉजिटिव खबर आ रही है। निफ्टी इंडेक्स ने जो रेड कैंडल बनाया था, निफ्टी इंडेक्स ने 3 दिन में इसने इस रेड कैंडल को फिर से रिकवर कर दिया है। तो क्या अभी नए हाईस क्रिएट होते हुए निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं। कल फ्राइडे को अमेरिकी बाजार हरे निशान में बंद हुए थे, हल्की सी बढ़त देखने को मिली थी। यूरोपियन मार्केट्स थोड़े से कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कोरोना के केसेस जो है वो लगातार नए उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। एशियाई बाज़ार देखें तो SGX निफ्टी पॉजिटिव नोट के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है, 55 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है और लगभग सभी एशियाई बाज़ार इस समय हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को भी देखें तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की यहाँ पर बढ़त दिखा रहा है। अगर इसका डेली चार्ट देखें तो इसने अभी तक ये जो हैमर जैसा एक लंबा कैंडल यहाँ पर बनाया था, ये बॉटम इसने बनाया और फिर से बुल्स ने यहाँ पर कंट्रोल ले लिया और इसका हाई अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया डाउ फ्यूचर में। तो चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, एशियाई बाजार ज़बरदस्त पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अभी वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पर पहले RSI और प्राइस एक्शन को देख लेते हैं। RSI जैसे कि 70-100 ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है और लास्ट वीक के मंडे यानी पहले ही दिन हमने देखा ज़बरदस्त फॉल आया था, लेकिन 3 दिन में इसने फिर से बुल्स ने यहाँ पर कंट्रोल ले लिया है और जो पैटर्न बनाया है ये ड्रैगन फ्लाई 2G जैसा पैटर्न है, जहाँ पर ओपन हुआ था क्लोज वही उसके आसपास आकर क्लोज हुआ है और एक लंबा सा यहाँ पर टेल इसने छोड़ दिया है, जो कि यहाँ पर ये हमें कह सकते हैं कि बुल्स ने फिर से एक बार पूरा कंट्रोल ले लिया है। लेकिन हालांकि जो प्रीवियस हाई था निफ्टी इंडेक्स ने जो ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया, तो जहाँ से सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था लास्ट वीक के मंडे को, तो हो सकता है वहाँ से फिर से एक बार हमें दबाव देखने को मिले। अगर इस ये जो नया हाई है इसके ऊपर अगर आर्ली चार्ट में सस्टेन करता है तो ही यहाँ से अपसाइड ज़बरदस्त और भी निफ्टी इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर हम जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने ड्रॉ किया था कि कहाँ पर सपोर्ट के लेवल्स आ रहे इस लो और इस हाई को पकड़ के, तो अभी फिर से निफ्टी इंडेक्स टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है और अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को जहाँ पर हमने फिबोनाची ये जो एक्सटेंशन लेवल होता है इसका यूज़ करके हमने आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की थी, तो यहाँ पर कुछ लेवल्स और मैं ऐड कर देता हूँ, 176.4 और 200। तो अभी यहाँ पर अगर निफ्टी इंडेक्स इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो इसी साल में 31st के पहले निफ्टी इंडेक्स हमें 14,000 तक पहुंचते हुए दिखाई दे सकता है, जो कि नया माइलस्टोन निफ्टी इंडेक्स के लिए हो सकता है अगर इन लेवल्स के हाईस के ऊपर अगर सस्टेन करता है। तो RSI 70-100 ओवरबोट जोन में जा चुका है, तो हर एक नए लेवल्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो यहाँ से अगर निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ और भी सस्टेन करता है आर्ली चार्ट में, तो हर एक नए पड़ाव के ऊपर यानी 13,800-13,900 के पास प्रॉफिट बुकिंग भी करना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो ये इस समय का वीकली चार्ट का सिनेरियो है। डेली चार्ट को अगर देखें तो फिर से ये जहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था लास्ट मंडे, तो वहीं से इस लेवल के पास अभी ये आ चुका है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर ये सस्टेन कर पाता है इसके ऊपर या फिर यहाँ पर ये फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेके फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आता है। अगर RSI को डेली चार्ट में प्राइस एक्शन के साथ हम कंपेयर करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI अभी यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ आ चुका है। अभी प्राइस एक्शन में फिर से एक बार जो प्रीवियस हाई था उसको ये ब्रेक कर सकता है, लेकिन RSI में प्रीवियस जो ये हाई बन रहा है इसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिले, RSI डाइवर्जेंस, और निफ्टी यहाँ से फिर से एक बार करेक्शन लेके 20 EMA को टेस्ट करने आ जाए, तो कॉशियस रहना होगा। बुल्स काफ़ी ज़बरदस्त कंट्रोल यहाँ पर दिखा रहे, तो यहाँ से ये सपोर्ट लिया है 20 EMA का, जो कि हमने हमारे स्टडी प्रोग्राम में सिखा था देखा था।
तो अगर आपको भी अगर हमारा ये प्रोग्राम अगर करना है तो यहाँ पर पूरे इसके डिटेल्स दिए गए हमारे वेबसाइट पे, अगर आप जा सकते हैं तो यहाँ पर शेयर मार्केट कोर्स करके और इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये डेली और वीकली चार्ट का यहाँ पर सिनेरियो है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के 60 मिनट के चार्ट पर, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स 3 बार फेल हो चुका है, ये 13,780 के लेवल के आसपास है, ये एक, ये दो और ये अभी फिर से तीसरी बार। तो यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स अगर 13,780 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,798, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 13,817, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड्स निफ्टी अगर साउथ की तरफ जाता है तो फर्स्ट हर्डल पिवट पॉइंट का है यानी 13,715 के पास। तो इस लेवल को अगर ब्रेक करता है पिवट पॉइंट को तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और कभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 13,694, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 13,671, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।